हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेक्रेड हार्ट्स ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास। दिस इज़ योर कंप्यूटर टीचर हिमानी मैसी, एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेवेंथ चैप्टर फन विद पेंट। इन दिस क्लास वी लर्न हाउ टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन द होम टैब, देन सिलेक्ट द लाइन टूल इन द शेप्स ग्रुप, सिलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप एंड द लाइन थिकनेस फ्रॉम द साइज बटन। ओके, ये हमने पहले भी सीखा था लास्ट क्लास में कि अगर हमें कोई भी शेप यूज़ करना होता है तो उसका कलर और उसकी थिकनेस को भी हम चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे। फर्स्ट वी विल क्लिक ऑन द होम टैब, और उसके बाद हम किस को सिलेक्ट करेंगे, लाइन टूल को, जो कि कहाँ है, शेप ग्रुप में अवेलेबल होता है। और लाइन टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम कलर ग्रुप में जा कर के उसके लिए कलर सिलेक्ट करेंगे, एंड साइज़ बटन पे जा कर के हम डिसाइड करेंगे कि लाइन का हम कितनी थिकनेस रखेंगे। देन मूव द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। इसके बाद हम अपने माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया पे लेकर के आएंगे। प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया। लेफ्ट माउस के बटन को प्रेस करेंगे और जो माउस का पॉइंटर है उसको ड्राइंग एरिया पे हम ड्रैग करेंगे। नोट दैट अ लाइन इज़ ड्रॉन ऑन द स्क्रीन वाइल ड्रैगिंग द माउस। जैसे जैसे आप माउस को ड्रैग करते जाएंगे स्क्रीन पे, वैसे वैसे वहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। रिलीज द माउस बटन व्हेन यू वांट टू एंड द लाइन। अब जहाँ पे भी आपको लाइन को एंड करना है वहाँ पे माउस के बटन को रिलीज़ कर दीजिए और वहाँ पे जाकर के आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट वी विल लर्न हाउ टू इरेजिंग अ ड्रॉइंग। The eraser tool is used to erase any part of a picture. Eraser tool normally, जैसे हम अपनी drawing में eraser use करते हैं, हम अपनी notebooks पे eraser use करते हैं, वैसे ही eraser tool paint brush में use होता है किसी भी drawing को erase करने के लिए। तो आपको अगर अपनी drawing में किसी भी part को change करना हो या erase करना हो तो उसके लिए हम eraser tool को use करते हैं। So select the eraser tool from the tools ग्रुप। नाउ इरेजर टूल कहाँ अवेलेबल है आपका, होम टैब पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो टूल्स ग्रुप है वहाँ पे इरेजर टूल अवेलेबल होता है। चूज द साइज ऑफ द इरेजर बाय क्लिकिंग ऑन द ऑप्शन इन द साइज बटन। अब इरेजर का साइज को इंक्रीज करने के लिए अगेन साइज बटन पे जाएंगे और वहाँ पे जाकर के जो भी साइज हमको चाहिए कि हमको इरेजर कितना बड़ा यूज़ करना है, हम वहाँ से उसकी साइज को सिलेक्ट कर लेंगे। देन A square will appear in the drawing area. जब आप ड्राॅइंग एरिया पर कर्जर को लाएंगे तो वहाँ आप नोटिस करिए कि एक स्क्वायर आ जाता है, छोटा एक स्क्वायर जो भी आपने साइज सेट करा है वहाँ पर वो स्क्वायर दिखाई देगा। होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, मूव इट ऑन द एरिया यू वॉन्ट टू इरेज। उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करिए और उसके बाद माउस को ड्रैग करना स्टार्ट कर दीजिए उस एरिया में जहाँ पर आपको अपनी ड्राॅइंग को इरेज करना है। So this is all for today's class. We'll continue this chapter in next time. Till then, stay safe and goodbye.